अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद खान और आप देख रहे हैं जॉब जटपी के। जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपके लिए जॉब्स, नई नई जॉब्स और एडमिशन लेकर आता हूँ। और तो आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, पाकिस्तान रेंजर पंजाब रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर, और इन पाकिस्तान रेंजर पंजाब एज ए रिक्रूटमेंट जो सब इंस्पेक्टर की उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो इससे पहले मैं आपको इसके बारे में जो आपको मैं मालूम देने वाला हूँ, तो इससे पहले मैं इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन पर इस लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई एडमिशन और जो फॉर्म्स या एडमिशन फॉर्म या जो वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको मौसूल हो। तो इसमें जो पहले नंबर पर है, देयर आर 18 वैकेंट पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी BBS 16 350 10 50 47 850 आर अवेलेबल इन पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब गाजी रोड लाहौर, हुज अपॉइंटमेंट विल बी मेड एज ए पर फॉलोइंग। जो दूसरे नंबर पे इसकी एजुकेशन एज एंड फिजिकल क्राइटेरिया, और एक एजुकेशन जो है FFSC या आल्सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हायर एजुकेशन, जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हुई उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। बी नंबर एज मिनिमम उसकी 18 से 30 साल पर एज होनी चाहिए, और 5 ईयर जो जो है सर्विस या उसकी रिलेक्शन दिया जाएगा। और इस तरह जो कैंडिडेट उसके अपने कैंडिडेट होंगे तो 18 से 22 मिनिमम होंगे, और जो हाइट उसकी होगी 5 से 6 इंच, और वेट उसकी पर BMI के मुताबिक होगी, और चेस्ट 33-34 मुताबिक एक्सपेंशंस। और मेथड्स ऑफ द सिलेक्शन जो उसकी होती है, नंबर 1 पर उसकी रजिस्ट्रेशन अवल नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगी, और मेडिकल टेस्ट एंड रेस होगी, उसके बाद कद जाती और रेस होगा। दूसरे नंबर पर जो राइटिंग टेस्ट, उससे जो राइटिंग टेस्ट वो लिया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो उसकी है फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। 4 नंबर पे इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन। लास्ट 4 नंबर है हाउ रिक्रूटमेंट विल बी एज ए पर फॉलोइंग शेड्यूल्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सबमिटेड इन डॉक्यूमेंट्स बाई देम सेल्फ। वो अपने डॉक्यूमेंट्स दायर कर रजिस्टर कर सकते हैं। किधर रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल दी गई है, पाकिस्तान रेंजर अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्री की जो तारीख और जो सुबह को दिए गए है वो यह है। ए नंबर पर कैंडिडेट ऑफ द पंजाब जिसको दिया गया है पंजाब के सूबे के लिए, तो वो 14 से 15 अक्टूबर 2019। बी जो कैंडिडेट ऑफ द सिंध जो सिंध का सूबा है उसके लिए 16 अक्टूबर 2019। जो सी है कैंडिडेट्स ऑफ द बलूचिस्तान उसको प्रोविंस 17 अक्टूबर 2019 दिया गया। कैंडिडेट्स ऑफ द इस्लामाबाद एंड कैपिटल टेरिटरी 18 अक्टूबर 2019। हार कैंडिडेट्स ऑफ द हैबर पख्तूनख्वा के लिए 21 अक्टूबर दिया गया है। नॉर्थ एरिया सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कमेंडेशन ऑफ द फी कमेंडेशन ऑफ द फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। नोट नोट डे उसको कोई एटीडे नहीं दिया जाएगा, और पीटी शूज अपने साथ अलॉन्ग ले के आए, और जो किसी को भी सिफारिश की इतला ना दे, किसी भी जो जिसका कोई रिश्तेदार या भाई वगैरह चाचा पंजाब रेंजर में हो और उसको बताए मुझे नौकरी की सिफारिश के, उसके कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरिट के बेस पे होगा, और मेरिट के बेस पे तकरीबन मेरिट जो है 7.5% है, और पंजाब एंड फेडरल के जो एरिया है इस्लामाबाद वगैरह है उसको 50% मेरठ पे होंगे। सेन वाले अर्बन जो होंगे 7.6% होंगे, सेन रूरल जो होंगे वो 11% होंगे, और हैबर पख्तूनख्वा के जो 11% होंगे, बलूचिस्तान के 6%, और नॉर्थ एरिया फाटा गिलगित उसको 4%, और आज़ाद कश्मीर के लिए 2%। तो यही मालूम थे मैंने आपको दे दिया। तो इस चैनल को लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह कोई ख्वाहिशमंद अफराद हो उसको ये पता चल जाए।